नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नाउ और आज की रिपोर्ट आपको जालंधर से बता दें। आज शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जालंधर इकाई के द्वारा जालंधर के सीनियर डिप्टी मेयर को एक मांग पत्र दिया गया, जिसमें शिवसेना के द्वारा यह मांग की गई कि शहर के सभी चौक व चौराहों का नाम बदलकर देश के लिए हुए शहीदों के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत जालंधर के फुटबॉल चौक से की जानी चाहिए। मांग पत्र में ही यह मांग की गई है कि फुटबॉल चौक का नाम बदलकर शिवाजी चौक रखा जाए और इसी तर्ज पर शहर के सभी चौक और चौराहों का नाम बदलकर देश के लिए हुए शहीदों के नाम पर रखे जाने चाहिए। जालंधर से संवाददाता ईशान जुनेजा के साथ सतीश कश्यप की रिपोर्ट। मैं रोहित जोशी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवसेना बाला साहब ठाकरे। तो आज साड़ी पंजाब टीम दिनेश कपूर जी सैकटरी पंजाब, काला बाबा जी उप प्रधान पंजाब, प्रिंस बागा जी सिटी प्रेजिडेंट और मनदीप जी सैकटरी और साढ़े नाल समुची टीम जी है जलंधर की, अज कमिश्नर साहब न एक मेमोरेंडम देन आए थे। मेमोरेंडम का मेन कारण है कि जिन्हें भी साढ़े शहर के चौराहे है, चौंक है और जड़े बाग है, उन्होंने नाम जड़े है अपने शहीद हुए जड़े साढ़े जिन्होंने शहीदा ने बलिदान दिता साढ़े देश लिए, उन्होंने नाम रखने वास्ते जड़े आग्रह किया गया वा। और ये जड़े यही आस करते हैं कि बड़ा जल्द जड़ा है वा ये सारे चौंकों का नाम जड़ा चेंज करके शहीदा के नाम से रखा जाएगा। और यदि पहले शुरुआत जी है आप फुटबॉल चौंक तो की, जिसे नाम शिवाजी महाराज के चौंक से रखा जाएगा, क्योंकि शिवाजी महाराज एक इदा की शख्सियत सी जिन्होंने अपनी कूटनीति के नाल जड़ा है वा बहुत युद्ध किए हैं और वीर योद्धा रहे हैं और अपने साम्राज्य को अगे बढ़ाया वा, जिद मुगलों जड़ा उन्होंने भजाया से उन्होंने, और कभी भी मुगल औरंगजेब है कभी भी उन्होंने हरा नहीं पाए। यही प्रेरणा आप सारे ही युवा वर्ग में दें कि अपना दृढ़ संकल्प रखते हुए जड़ा उन्होंने नाम से ये चौंक रखा जाए, ताकि उन्होंने देख के जड़ा है वा हर बंदे जोश पैदा हो कि अपने देश लिए जड़ा है बलिदान देना। धन्यवाद। शुरू किया फुटबॉल चौंक तो नामकरण ही क्या नाम बदलने ले ही क्या शिवाजी स्टैचू रखने भी मांग, स्टैचू भी रखा जाएगा जी, नाम बदलने नाल स्टैचू भी उन्होंने रखा जाएगा। ठीक है, और चौंक का जिन्ना भी निर्माण है वो शिवसेना वालों किया जाएगा।